रहे हैं स्टार टी न्यूज, हर खबर का असर। नमस्कार, स्टार टी न्यूज में आपका वापस एक बार फिर से स्वागत है और काफी लोग यहाँ पे जुट चुके हैं। अभी हम हजारीबाग के विधानसभा में आए हुए हैं और यहाँ के विधानसभा में कौन प्रत्याशी कैसा है उस पर बात कर रहे हैं। अब काफ़ी लोग जुटे हुए हैं, सब अपनी अपनी समस्या को लेकर जुटे हुए हैं, अभी से बात करने वाले हैं। यहाँ पे आप कैसा विधायक देखना चाहते हैं? विधायक यहाँ का सही है, लेकिन यहाँ का हमारा मनीष जायसवाल सही है, बीजेपी पार्टी सही है, लेकिन इनकी नीति सही नहीं है। बनिया वर्ग की नीति सही नहीं, बीजेपी की नीति सही नहीं है, ये रघुवर दास की नीति सही नहीं है, इस वजह से बीजेपी यहाँ बदनाम और खत्म हो हार रही है, बीजेपी हार रही है। क्योंकि देखिए हजारीबाग शुरू से बीजेपी का एक एरिया रहा है, आप बहुत बुरा है, रामनवमी हो चाहे जो हो, जिस कारण से हो, स्वर्णनारायण सिंह यहाँ जीते और अपने कितने भी टर्म्स पूरे किए वो अच्छे चलाए, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब यहाँ का ना व्यापारी वर्ग खुशहाल है, ना स्टूडेंट खुशहाल है, ना आम महिला खुशहाल है, ना कोई भी खुशहाल नहीं, कोई खुशहाल नहीं। विधायक से मिल सकता है, कोई खुशहाल नहीं, विधायक से चार दो पुलिस पकड़ ले तुरंत होकर, जब आप बोल रहे हैं कोई बोलने दीजिए, जाओ कोई मिल सको मार दो, काम अपना है। देखिए ये क्षेत्र सेंट्रल का और स्टेट का अलग है, लेकिन विधायक को पूछना अपनी जगह है, लेकिन जब मेन मुख्यमंत्री सही नहीं है तो विधायक क्या कर लेगा, चाहे हजारीबाग का हो, चाहे तिलैया का हो, कोरमा का हो, चाहे कहीं का हो, विधायक क्या कर लेगा, दबाव बना सकता है नहीं, विधायक दबाव बना सकता है, विधायक मंत्री मंत्री के विधायक दबाव बनने से बनता है, विधायक के दबाव से कुछ नहीं। अबर हम लोग यही सोचे हैं कि हम लोग आरसी प्रसाद को बना के भेजे, जो गठबंधन के प्रत्याशी, गठबंधन के प्रत्याशी है और काफी साफ सुथरा आदमी है, और इस तरह से हम लोग उनको विचार सरकार बदलना चाहिए, वही सरकार नहीं विधायक बदलना, सरकार और विधायक दोनों बदलना चाहिए ना, दोनों बदलना चाहते हैं, सरकार और विधायक दोनों बदलना चाहिए। बीजेपी 25 से 30 सीट से ज्यादा नहीं लाने जा रहा है, बीजेपी 25 से 30 सीट से ज्यादा नहीं लाने जा रहा है, समझे ना, उससे ज्यादा इसकी गिनती आगे नहीं बढ़ेगी। मतलब इस बार बीजेपी अब गठबंधन की सरकार बन रही है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन रहा है, बस इतना जान लीजिए। देखो जब 26-11 में बांट 13-11 में बांट दिया है स्थानीय नीति को लेके, तो क्या करेगी हमारा बिहार जैसे राज्य है, अभी वहाँ पर टीचर का वैकेंसी निकला है, हम लोग को भरने के लिए नहीं दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ का जब हाई स्कूल निकला, PGT निकला, सभी में उत्तर प्रदेश के लोग, बंगाल के लोग, सभी भरे हुए हैं, तो झारखंड की सरकार कर क्या रही है, ये डबल इंजन खाली बोल रही है सरकार, लेकिन ये इन्होंने कुछ किया नहीं युवाओं के लिए, उस जिलों का ज्यादा मान्यता दे दिया। आपको आपके कहने का मतलब है कि ये सिर्फ डबल इंजन सरकार है, जनता के लिए इसमें कोई बोगी नहीं है, सिर्फ ये डबल इंजन जनता के लिए कोई नीति नहीं बना। यहाँ पे हमने देखा कि हर गांव में, हमारे भी गांव में खुले सोच मुक्त गांव घोषित कर दिया, बड़ा सा बैनर लगा के गांव घुसने से पहले ही लगा दिया गया, लेकिन जब हम देखते हैं तो ऐसा हुआ नहीं। अरे शौचालय दिया, उसे पानी दिया है, जितना शौचालय बना उसे पानी ही नहीं दिया, क्या किया, शौचालय बना ही नहीं है, पानी कहाँ से, शौचालय में लड़का लुका छुपी गिर रहा है, गांव का लड़का सचिवालय में लड़का लुका छुपी गिर रहा है, अरे कुछ नहीं, गोठा हमारी गांव के ग्रामीण लोग उसमें गांव के ग्रामीण लोग गोठा हमारे नाम सुने हैं, उसे दिखा हुआ है वोट लेने के लिए, अभी धान काट के सब रख दिया उसी में, सरकार को तो लाख रुपए का नहीं दिया, या जो भी वैकेंसी आई है उसमें सभी में घुसखोरी का धंधा चल रहा है, अभी हमारा जैकेट लेने वाला था वो भी नहीं लिया, जुलाई से उसका हम लोग सुन रहे हैं कि अभी आ रहा है जेटेट आ रहा है, बट अभी तक नहीं है, 2016 में जेटेट लिया गया था, उसका भी अभी तक उसका क्लियर नहीं किया है, उसका क्या करेगा, JPSC अभी तक क्लियर नहीं किया है, उसका क्या करेगा, JSSC निकाल दिया, रोजगार नहीं मिलेगा युवाओं को तो बीजेपी क्या करेगा। और हजारीबाग में रेलवे के नाम पे ठगा गया है यहाँ के पब्लिक को, रेल यहाँ पर कोयला के लिए लाया गया है और 4 बार मोदी जी से उद्घाटन कर दिया कि अब रेल चलेगा, पटना जाएगा, दिल्ली जाएगा, कानपुर जाएगा, अब एक भी पर अभी तक चढ़ के नहीं गया है, कोडरमा यहाँ से जाता है 3.5 घंटा लगता है लोगों को, 4 घंटा उद्घाटन हो गया, अब दिल्ली की गाड़ी चल रही है, अरे कब चल रही है भैया दिल्ली की गाड़ी, और जब देखिए तो कोयला लेके जा रहा है।
सबसे बड़ी मुद्दा है यहाँ पर, यहाँ के लोगों को बस का भाड़ा इतना बढ़ गया है, लड़कन रांची जाना रहता है कोई जान देने के लिए, सरकार हम लोग बदलना चाहते हैं और इस बार सरकार बदले। किसकी सरकार चाहते हैं? हम चाहते हैं जेडीएम की सरकार, नहीं है वो जेडीएम के, नहीं बाबूलाल मरांडी की सरकार आप चाहते हैं, क्योंकि उनका आइडियोलॉजी को हम बहुत अच्छा मानते हैं और उनका जो लगता है कि वो सबका साथ सबका विकास वही कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है बस सबका साथ सबका विकास बोलने के छावा किया गया है आम आदमी के साथ। अकबर दास जब खुद झारखंड के नहीं है तो झारखंड के युवाओं के बारे में क्या सोचेंगे? वो क्या सोचेंगे? जिंदाबाद।